मैंने सुना विक्रम जी भी आए हैं। हाँ, अभी किताब खरीदने आए हैं? नहीं, मुझे लाइन में खड़े रहने का शौक है। कूल मैन, क्या किताब लिखी है इतनी छोटी सी उम्र में। वाह, लाजवाब है। मैंने मेरे सब किटी फ्रेंड्स को ये बुक रेकमेंड की है। Excuse me, I have this important flight to catch. Can I please? Yeah, sure. Thank you. पापा, स्पाइडरमैन पिक्चर देखने चलो ना। बेटे पहले मम्मी के लिए किताब ले लें, फिर चलेंगे स्पाइडरमैन देखने, ठीक है? Thank you. पापा ठीक कह रहे हैं बेटा, पहले यहाँ बुक ले लेती है फिर चलेंगे पिक्चर देखने। आई लव नन्हे जैसलमेर एंड इट्स एन अमेजिंग बुक। या एंड विक्रम इज सो क्यूट। बस इसकी एक साइन कॉपी मिल जाए। एक्सक्यूज मी, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, क्या मैं आ गया हूं प्लीज? थैंक्स बेटा, प्रेरणा भरी कहानी है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड पापा के सच में किस साल का है? हाँ। बेटा कुछ लोग छोटी उम्र में ही ऊंचाइयों को छू लेते हैं, ये उनमें से एक है। हे रॉबी, हे अमित, व्हाट्स अप ब्रो? मिल गई? हाँ यार, 3 बार ले चुका हूँ, कोई ना कोई ले जाता है। नाइस कवर यार, इट्स अमेजिंग। हाय जान, कहाँ जा रहा है यार? सुन, आई एम कमिंग जान, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज फॉर यू डार्लिंग। हाय हाय, आई एम आशीष। कब नंबर आएगा? आएगा। काश इस बुक की राइट्स मिल जाए ताकि तुम इस पे पिक्चर बना सको। एक्सक्यूज मी, आई हैव दिस इंपॉर्टेंट फ्लाइट टू कैच, मैं आ गया जाऊं प्लीज? सुबह 5 बजे से खड़ा हूं मैं। प्लीज। या थैंक यू। For my mother. सर आप विक्रम जी है ना, इस किताब के लेखक? हाँ, बहुत चर्चा सुने हैं सर इस किताब की। 3 होर्डिंग तो मैंने लगाए हैं। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुमने पढ़ी? सॉरी सर, मगर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा काम मुझे किताबों से दूर रखता है। समझता हूँ, पर सर किसी ने सुनना जरूर चाहूँगा। अभी क्यों नहीं? अभी? हाँ, ये कहानी एक लड़के की, जैसलमेर राजस्थान से। जिससे मैं 11 साल पहले मिला। वहां का सबसे अच्छा टूरिस्ट गाइड और कैमल बॉय, नन्हे जैसलमेर। अलग भाषाएं बोलता था नन्हे, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, इंग्लिश। Mais quoi si je meurs, Nané? Vous ne semblez pas royal, but I can make you. Smile, please. Hey, Nene, please tell us about this lake. Signore Bruno, Chio Alil Ganisar Lago, Fato Dalre Garsi, Barakwa Kotabile. That's a lot to drink of water. Yeah, lots of drinking water. But now no one drinks. It is Jaisalmer's biggest swimming pool. People use for washing clothes, boating, and कभी कभी छोटे बच्चे वाल स्विमिंग भी करते हैं। कभी कभी मैं भी। एक टूरिस्ट गाइड ही नहीं, पल भर में दोस्त बन जाता था नन्हे। Jaisalmer is famous for Indian royalty, heritage, culture, sand dunes, desert. Safari is the best. What is England famous for? England is famous for the Queen. Oh, Buddy! Someday I will come. You must. You know so many languages. Who taught you? One pen. One pen? Teacher? Teacher, teacher. One pen, madam, one pen, madam, one pen. Bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles? Bonjour. Comment tu t'appelles? Matlab meaning? Bonjour means hello. Comment tu t'appelles? Your name. Your name. Yes. Okay? Okay. I understand. इसी तरह हम भाषा सीखते हैं. आया समझ में बुद्धू? अच्छा है, अच्छा है. नन्हे सबका दिल बहलाता था, सबके चेहरे की मुस्कान बन जाता था वो. लेकिन नन्हे का दिल कौन बहलाता था? उसका दोस्त, उसका सबसे अच्छा दोस्त. अरे नन्हे भूलना मत, आज हम साथ मिले तेरे बॉम्बे डेल की पिक्चर. कैसे भूलूंगा, मेरे दोस्त की पिक्चर है. अरे नन्हे, एक नई कविता सोची है, आ बैठ सुन. ऊपर जी लाइए, मैं आपका चश्मा साफ कर देता हूँ. ले कर दे. सुनाइए. आंधी तूफान पूरी रात गुजर जाती. लकड़ी बना, क्या खबर? खबर हाँ, अजमेर में 4 आतंकवादी मारे गए. पार्लियामेंट में जूतों चप्पलों की बरसात. क्या फिल्मी खबर सुनाओ. फिल्मी खबर लो भाई सुनो. हाँ, माधुरी दीक्षित की नई फिल्म का लॉन्च. अच्छा, अनिल कपूर की शूटिंग में टांग. मेरे दोस्त बॉबी डॉल के बारे में कुछ है ना? अच्छा को पिक्चर. अब आ रहे हो ना? अब भाई वो मेरा इतना अच्छा दोस्त कहाँ? सच है. और तुम लोग? भाई मेरी तो रात की सफारी है. और तुम सब? शायद. आज की किसने पहली सफारी ली थी? कौन गया था? मोटू गया था. मग्गू भैया, भीमा भी गया था. भीमा क्या, फिरोज भी गया था. नन्हे ने तो पहली सफारी ली थी. आशु भी गया था. सब गए थे. जब तुम सब लोगों को पता है पहली सफारी मग्गू लेगा तो तुम लोग गए क्यों? रुको, चलो मुर्गे बनाओ. मग्गू से टक्कर. जब मैं बड़ा जाऊंगा ना, उस मग्गू को नहीं छोड़ूंगा राजा. राजा, माँ गुड डे ना. सफारी कैसी थी? अच्छी थी. इंग्लिश लोग थे. मुझे वो इंग्लैंड बुला रहे हैं. हाँ हाँ, दूसरा कोहिनूर तो तू ही है ना. एक्सक्यूज मी. ये ले माँ, आज की सफारी के 300 और ये टिप के 50. जा मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए सोगरा और दूध लाती हूँ. देर हो जाएगी माँ, 7 बजे दोस्त से मिलना है. कितने दिनों के बाद हमारी मीटिंग फिक्स हुई है. बहुत इंतजार करवाते हो दोस्त. पूरा महीना निकल गया, पर आज हम जरूर मिलेंगे. नन्हे, ये तेरा पिक्चर देखने का भूत कब उतरेगा? कभी नहीं माँ, जब तक मेरी दोस्त की पिक्चर आएगी मैं जाऊंगा. देख नन्हे, ऐसे दोस्त दोस्त करेगा तो तुझे पागल खाने ले जाना पड़ेगा. माँ, वो मेरा दोस्त है। देख कितने प्यार से पकड़ा है मुझे। तू 4 साल का था तब वो यहाँ शूटिंग पे आया था। एक छोटे से सीन में उसने तुझे गोद में उठा के अपना दोस्त कहा था। अब इससे तेरा दोस्त थोड़ी ना हुआ वो। माँ, इतना बड़ा जैसलमेर, इतने सारे बच्चे, तो ये सोच उसने मुझे क्यों दोस्त चुना? क्योंकि उसे मुझ में कुछ स्पेशल लगा। हमारे दोस्ती का एक लेवल है। मैं बेस्ट कैमल बॉय और वो बेस्ट एक्टर। अरे उसे तो याद भी नहीं होगा। देख नन्ही, ये बॉबी देओल बहुत बड़ा हीरो है। हर कोई उसके जैसा नहीं बन सकता। माँ, मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। हाँ, मैं बॉम्बे जरूर जाऊँगा पर सिर्फ दोस्त से मिलने। ये देख माँ, मैं पैसे भी जोड़ रहा हूँ, उसके लिए एक तोहफा जरूर ले जाऊँगा। तू चांद को देखकर सितारों को छूने की बात कर रहा है। माँ, चांद तो रोज मेरे खिड़की पर आता है। एक दिन मैं उस पर चढ़कर अपना सितारा तोड़ लूंगा। माँ, मैं जाऊँ? ये तेरी पिक्चर के लिए। माँ, ये रख दोगी प्लीज? अरे किधर रह गया ये नन्हे? सूरज भी ढलने वाला है। अरे कहाँ इंतजार करते हैं आप सूरज के ढलने का? एक पौवा तो अंदर जा चुका है। हमें तो ये डर है कहीं हीरोइन की एंट्री ना निकल जाए। हाँ हाँ, हीरोइन तो पर्दे से उतर के आपके पीछे दौड़ने वाली है ना। माँ गई। अरे माँ रही। ये गुटका किसका है? ये माँ। हाँ। ये मेरा नहीं है, ये तो राजा खाता है। हाँ, अरे तू गुटखा खाना कब छोड़ेगा? चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलो चलो। ओह खेमा जी जल्दी चलो। आइए ना खेमा जी। चलो चलो। जी, ये हीरोइन कब आएगी? तो आ गई। हाँ। ये तुमने मेरी गाड़ी डैमेज कर दी। तुम इंडियंस को जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो दूसरे देश में आते। ये हीरोइन की आवाज बिल्कुल हमारे मैडम जी जैसी है ना। आपको तो हर हीरोइन की आवाज मैडम जी जैसी लगती है। अब पिक्चर देखना आए हो या गप्पे मारने? अरे भाई, हम तो तुम्हारा साथ देने आए हैं। आप मेरा साथ देने नहीं, दादी सास से चिपकर दवाई पीने आए हैं। हाँ ठीक है। और ये जस्सू जी हीरोइन की आवाज सुनने। अब चुप बैठिए और पिक्चर देखने दीजिए। मुझे भी रोना आ रहा है। अपने से दूर रखा। कसम खाई थी कि तुम लोगों को ना जित मिलेगी ना धरती माँ की गोद। दोस्त आप तो इतना यार। हेमा जी, आप आंखें बंद करके गाड़ी क्यों चला रहे हैं? दुर्जन सिंह जी, मैं एक आंख खोल के गाड़ी चला रहा हूँ। क्यों? दोनों आंख खोलता हूँ तो मुझे दो दो सड़क दिखती है। अरे हेमा जी, आप संभाल लेंगे ना? अरे आपको क्या लगता है आई ड्रंक? नो 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 खेमा जी, यू नो ड्रंक, पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। संभाल के। नन्हे, गाड़ी पर वजन कुछ कम हो गया क्या? अरे जस्सू जी, खेमा जी, जसू, जसू, जसू लगी तो नहीं? मैंने कहा था ना गाड़ी पर वजन कम हो गया है। स्पीड ब्रेकर तो अच्छे अच्छों को नहीं दिखते हैं। चीचा, 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 नन्हे, चलो, चलो चलो, प्लीज लिख। अभी लिख ना। खमागनी दोस्त, खमागनी दोस्त। अभी आपकी पिक्चर देखी, सही पिटाई की उस विलन की, और आज माँ का फिर वही भाषण कि मैं बॉम्बे जाकर हीरो बनना चाहता हूँ। दोस्त, मुझे लगता है माँ का दिमाग खराब हो गया। ए, ऐसे नहीं लिखते। तो कैसे लिखते हैं? लिखते हैं कि हाँ, माँ को गलतफहमी हो गई है। हाँ तो वैसे ही लिख। शूटिंग कैसी चल रही है? आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। वो क्या है, सीजन टाइम है ना? हाँ, क्या लिखा? सीजन टाइम है ना? हाँ। दोस्त, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसे हेयर स्टाइल रखूं। रहने दे, तेरी शक्ल तो बंदर जैसी दिखती है। जीजा, जब मैं बाल गीले करके उल्टे रखता हूँ ना, तब माँ कहती है मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ। हाँ, एक जरूरी बात, माँ ने जीजा के लिए लड़का देखा है। शर्मा क्यों रही है जीजा? तू ये सब क्यों लिख रहा है? जानता है वो तुझे, इसलिए। बस तो बाकी बातें कल। खमागनी दोस्त, नन्हे जैसलमेर और राजा जैसलमेर। राजा जैसलमेर। चल साइन कर। थोड़ी बहुत पढ़ाई अगर तूने कर ली होती तो आज ये चिट्ठी तू खुद ही लिख सकता था। तुम हो ना पढ़ने लिखने के लिए। 10 साल का हो गया है तू, और अभी तक तुझे अपना नाम भी लिखना नहीं आता। 4-4 भाषाएं बोल लेता हूँ। बोलने और लिखने में अंतर होता है। जीजा, लोग पढ़ाई करके कमाई करते हैं। जब मैं कमाई करा तो पढ़ने की क्या जरूरत है? ठीक है ठीक है, जा लगा ले तेरी चिट्ठी की गिनती। जाना मेरी तू, रहना हमेशा दिल के, रहना हमेशा दिल के, रहना हमेशा दिल के। रूबरू हाँ, रूबरू हाँ, रूबरू। उल्फत उल्फत जाना मेरी तू। दोस्त माँ माँ तो फिर उसका सपना देख रहा था। आज मैं उसके इतने करीब था कि बॉबी देओल यूँ गले लगाने वाला ही था। अगर मैंने उसे नन्हे जैसलमेर कह दिया होता ना तो वो गले तो क्या अपनी गाड़ी में ले जाता था। माँ टाइम क्या हुआ? काका नन्हे आज फिर देरी से। देर तो तब होती अगर एक डाक निकल जाती। अरे तेरी चिट्ठी के बिना मैंने कभी डाक डाली है? मैडम सफारी 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 मैडम सफारी 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 क्या? हे नन्या gehenji.in All right, thank you. Kamal Joy Jaisalmer. Where are you from? Germany. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना उस मग्गू को नहीं छोड़ूंगा। श्यामला जी कोई क्लाइंट किले पर थे ना? अरे वो मग्गू ले गया। मैडम जी चुप जा। अरे मैडम जी। जैसू जी। हाँ मैडम जी इधर से आ रही हैं, आप उधर किधर भाग रहे हो? अरे कच्चे में मैडम जी के सामने थोड़ी आएंगे, समझ कर नहीं हो आप। अभी अच्छे काम पहन के आएंगे। खम्मा खड़ी मैडम जी। खम्मा खड़ी धुरंधर कैसे हो? बहुत अच्छा। एमएलए साहब कैसे हैं? ठीक है, उनकी मीटिंग है। खम्मा खड़ी मैडम। खम्मा खड़ी चल चौकीदार। खम्मा खड़ी मैडम। खम्मा श्यामला जी कैसे हैं आप? ठीक हो। अच्छा एक वो अकाउंट्स वाली फाइल जरा ऊपर भेज दीजिए। ठीक है निकालना सामान। और वो नन्हे अगर आए तो उसे भी ऊपर भेज दीजिए। हाँ भूलिए नहीं श्यामला जी। हाँ जी। अरे नन्हे तू यहाँ छुपा बैठा है और वहाँ मैडम जी तुझसे बात करना चाहती है। मैडम जी ऊपर। जी मैडम जी। इस साल के होटल के प्रॉफिट का 10% आप स्कूल के फंड में डाल दीजिए। जी मैडम जी। और अब जाके छत की सफाई करवा दीजिए। अच्छा ठीक है। खम्मा घड़ी मैडम जी। ठीक है मैडम जी। जो आपने सर्व शिक्षा का अभियान नाइट क्लास में चलाया है ये तो कमाल है। मेरा तो कहना धुरंधर को भी नाइट क्लास का चौकीदार बना दीजिए। मैडम जी दुर्जन सिंह भी तो अनपढ़ है। दुर्जन सिंह जी। जी इस बार आपको भी नाइट स्कूल में आना पड़ेगा। जी मैडम। मैं चाहती हूँ कि हमारे शहर का हर बच्चा और बूढ़ा जरूरत जितना पढ़ना लिखना सीख ले। तो तभी चलते हैं आपको बॉबी देओल की नई फिल्म यार के मुहूर्त पर। यार टाइटल से लगता है आपकी एक और धुरंधर नाइट स्कूल की देखरेख की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी मैडम जी। यार का मतलब दोस्त भी तो होता है। ये फिल्म दोस्ती पर बन रही है। जी। और किसी चीज की अगर जरूरत हो तो मुझे बता दो। ठीक है मैडम। सर इस चीज में ये है कि अपने दोस्त की मदद के लिए अपने सारे जमा किए हुए पैसे आप अपने दोस्त को दे देते हैं। ठीक है कह देना मैं 5 मिनट में आता हूँ। जी ओके सर। और कम से कम 20 लोग क्लास में होने चाहिए। हाँ तो आप क्या पूछ रहे थे? आप चिंता ना करें। इस फिल्म में आपका किरदार क्या है? इस फिल्म में मैं एक... ये नन्हे कहाँ चला गया? इंटरेस्टिंग। अपने दोस्त की मदद से माँ बाप भाई बहन ये रिश्ते तो भगवान बनाता है लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। कभी कोई इनसिक्योरिटीज हिट्स या फ्लॉप से कोई घबराहट ये सब हमारी सोच है। जितने लोगों को जागरूक कर सकते हो करो। मैं आज ही से घर घर जाकर लोगों से मिलता हूँ और उन्हें इस अभियान के महत्व को समझाता हूँ। तो मैं चलूँ मैडम? जाओ। खम्मा गनी मैडम। आप दिल से जो करना चाहते हैं उसे अपना लक्ष्य बनाइए, उस पर विश्वास रखिए और फिर देखिए कैसे आपका यही विश्वास आपकी ताकत बनकर आपको कामयाब बनाता है। तो क्या सोचा है नन्हे? किस बारे में? स्कूल के बारे में। मैडम जी मैंने बहुत लोगों से बात की है। खेमा जी जैसे जी तो अब भी तैयार बैठे हैं। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मैं तो बहुत होशियार हूँ और इस साल बहुत टूरिस्ट आए हैं। होशियार तो हो लेकिन अनपढ़ हो। 4 महीने का टूरिस्ट सीजन होता है उस पर अगर किसी बीमारी की या अकाल की खबर फैलती है तो टूरिस्ट आना बंद हो जाते हैं। उसके बाद तुम क्या करोगे? कुछ पढ़ लिख लोगे नन्हे तो और रास्ते खुलेंगे। देखो नन्हे, इस साल तुम्हें स्कूल आना ही होगा। जैसा आप ठीक समझे मैडम जी। खमागनी खमागनी। नन्हे जी। मैडम जी ये लो। इस साल का नाइट स्कूल शुरू हो रहा है, कोई नई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। नन्हे सुना है बाजू वाले गांव में सिनेमा आ रहा है, चले? बॉबी देओल की पिक्चर है। अरे नहीं नहीं, पर क्या है ना, उसकी हीरोइन बहुत अच्छी है, उसकी आवाज बिल्कुल मैडम जी जैसी है। आप ही को याद कर रही है, जाके मिल लो। सच? अरे नन्हे वो हुकली बता रहा था बॉबी देओल की खबर छपी अखबार। क्या बॉबी देओल की? राजा दूसरी खबर आई है, हुकली बनाओ। अरे नन्हे तू यकीन नहीं करेगा। क्या खबर? आज तो तेरे दोस्त की खबर आई है, पंछी। आजा 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 आजा, सुना सांस तो ले ले। ले सुन, बॉबी देओल की नई फिल्म यार का मुहूर्त बंबई के एक 5 सितारा होटल में हुआ। अगले सप्ताह से इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, जिसमें पहले 30 दिन की शूटिंग राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर शहर में संभव है। उन्होंने मैं सच कह रहा हूँ यार। का मुहूर्त बंबई के एक 5 सितारा होटल में हुआ। आगे पढ़ो ना। पढ़ रही हूँ बाबा। अगले सप्ताह से इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, जिसमें पहले 20 दिनों की शूटिंग राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर शहर में संभव है। मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है। लगता है वो आएगा, पक्का आएगा, मुझसे मिलने आएगा, ये मेरा विश्वास है। जीजा एक बार फिर से पढ़ के सुनाओ ना प्लीज। अच्छा अच्छा। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर शहर में संभव है। जीजा जीजा प्लीज। बॉबी देओल की नई फिल्म यार का मुहूर्त। दोस्त पिछली बार जब आप आए थे तब हम बहुत छोटे थे। क्यों राजा, इस बार ख्याल तो हमें ही रखना होगा। राजा कल जाकर दोस्त के लिए तोहफा देखते हैं। अरे नन्हे, अरे नारायण सिंह जी बड़े उदास नजर आ रहे हो। बेटा जब ऊंट बूढ़ा हो जाता है तो उसे बाहर बैठा दिया जाता है। तू बता, तू तो आज बहुत खुश दिख रहा है। मेरा दोस्त आ रहा है। सर ये देखिए, ये जैकेट साहब आप पहनोगे तो एकदम हीरो दिखोगे, हीरो, फिल्म का कोई बड़ा स्टार। अच्छा ये हुई ना कुछ बार। अजय भैया ये कितने का है? तू खरीदेगा इसे चटक। चल भाग यहाँ से मनहूस। ना सिर्फ 5000 रुपए का है भैया, वो 500 वाला ही दे दो आप, मैं नहीं खरीद पाऊंगा इसे। मैं खरीदूंगा इसे मेरे दोस्त के लिए। केसरिया और एक बेटा जी, नहीं एक बेटी और दो बेटे। दो बेटे? हाँ, एक मैं और एक राजा। राजा? नन्हे बेटा बादल को नाश्ता दो। बादल दोस्त का नाम, माँ ये जोड़ी तो सुपर हिट है। आपकी बेटी हमारी हुई जी। खमा गणी, खमा गणी, खमा गणी। नन्हे बेटा इन्हें छोड़ा जा। नन्हे कल तेरे काका के पास हुआ। काका के पास? क्यों? अरे अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने 6000 रुपए उधार लिए थे हमसे। वही उनसे मांगने हैं। ठीक है पर माँ जीजू सा तो हिट है। देख फसल क्या लहरा रही है, कटते ही पूरे पैसे मैं खुद ले आऊंगा। मैं तो थोड़ा बहुत ऊपर से भी लगा दूंगा, माँ को बोल चिंता ना करें। कमाल है काका जी। चला रहा होता तो नहीं फंसती। हाँ तू तो राजस्थान का ऊंट है ना, जो तैरता हुआ रेत में से निकल जाता। छोड़ यार, ऊंट वाले को बुलाते हैं। ऊंट वाला तेरा बात सुनने यार। चुप चुप। गाड़ी फंस गई। जरा गाड़ी निकालने में हमारी मदद कर देना। इसके बस की बात नहीं है। राजा! 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 छोटे, तेरा ऊँट तो बड़ा ही कमाल का है। लगता है आप नए आए हो, वरना सब इसे राजा जैसलमेर के नाम से जानते हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे जैसलमेर। नन्हे? क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ, कहीं सपना तो नहीं। नहीं जैसलमेर, ये सपना नहीं है। माँ कैसी है? बहुत अच्छी है। और सुमन की शादी पक्की हो गई? हाँ, और आपको आना पड़ेगा। क्यों नहीं आऊंगा, मेरी भी तो बहन है। दोस्त मैंने आपको इतनी चिट्ठी लिखी है और आपने एक का भी जवाब नहीं लिखा है। कैसे लिखता? हाँ पता, आप तो बहुत बिजी हो। ये देख, मैं तेरी पिछली चिट्ठी लेकर आया हूँ, तूने एक भी चिट्ठी पर अपना पता नहीं लिखा, तो जवाब कैसे देता? हाँ, फिर मैंने सोचा की मैं जैसलमेर आ ही रहा हूँ तो तुझे ढूंढी लूंगा। क्या? सॉरी दोस्त, चलो घर चलते हैं। मार जीजा तो यकीन ही नहीं करेंगे। मेरी शूटिंग है शाम को। आते ही शूटिंग? क्या करूं, टाइट शेड्यूल है। फिर तो आप जाओ। लेकिन हम कल शाम को मिलेंगे 7 बजे, पर भीड़ भाड़ से दूर। घड़ी सर पे, वहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं आता। ठीक है। खमा घड़ी दोस्त। खमा घड़ी। नन्हे, मैं अभी तुम्हारी माँ से कह रही थी कि कल से स्कूल शुरू हो रहा है। कल से? दिन में तुम सफारी करो और शाम को 7 बजे स्कूल आ जाओ। 7 बजे? माँ मैं स्कूल नहीं जा सकता। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा नन्हे, समझे? लेकिन माँ बॉबी। बस नन्हे, बहुत हो गया तेरा बॉबी देओल। मैडम जी अपना समय निकाल के तुझे पढ़ाने की कोशिश कर रही है और तू है के बहाने पे बहाने बना रहा है। लेकिन माँ कल मैं स्कूल नहीं जा सकता, कल 7 बजे मुझे दोस्त से मिलना है। बस, मुझे कोई बहस नहीं करनी है, तू कल से स्कूल जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। से मैं माफी चाहती हूँ। कल से वो स्कूल आएगा। 6 साल का था तब से घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटा रहा है। नादान है, समझता है कि हम उसमें जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ वो सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आ जाए, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन उसके सर पर हमेशा बॉबी देओल का भूत सवार रहता है। नन्ही के नजरिए से देखो सरला, एक आदमी की गोद में बैठे हुए अपने बचपन को वो घर के किसी बड़े का सहारा समझ बैठा है। वो नन्ही के लिए दोस्त से भी बढ़कर हो गया है, समझे तुम? नन्ही खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। जिद मत करना, नहीं खा ले। मुझे भूख नहीं लगी और मैं कल से स्कूल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? कल रात भर ये गनी सर पहुंचना है, दोस्त से मिलने। देख नन्ही, तू कुछ भी कर ले, स्कूल तो तुझे जाना ही पड़ेगा। जबरदस्ती मत करो वरना मैं सच्ची में भाग जाऊंगा। हाँ, तू भी भाग जा अपने बाप की तरह। माँ मैं बात कर रही हूँ ना। देख नन्ही, तुझे क्या लगता है तेरे स्कूल जाने से हमें कोई फायदा है? उल्टा जवाब देने लगी। अब देख तो। अब जाओ ना, अब जाओ। नन्ही बैठ। देख, हर्ष तूने माँ को भी रुला दिया। तू जानता है माँ क्यों चाहती है कि तू पढ़ाई करे? क्योंकि वो खुद अनपढ़ है और इसी वजह से हमारे बाप ने उन्हें बेवकूफ बनाया और सारी की सारी जायदाद को बेचकर चले गए। माँ ने राजा के साथ मिलकर मजदूरी की, मैडम जी के दिए हुए छोटे छोटे काम किए, ये घर बनाया, हमें बड़ा किया, मुझे पढ़ाया ताकि कोई मेरे साथ ऐसा ना कर सके। और अब वो तुझे पढ़ाना चाहती है ताकि कोई तेरे साथ ऐसा ना करे। लेकिन काका भी तो कहते हैं पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। हाँ, काका तो कहेंगे ही, हमारे बाप के भाई जो हैं। आप सब ने ये फैसला लिया है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने लिखने से जीवन में और रास्ते खुलते हैं। नहीं हिलना मत, मैं घूंट मार लूं। और जिंदगी बेहतर होती है। जस्सू जी, आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? मैडम जी मैं भी एमएलए बनना चाहता हूँ। और खेमा जी आप? अगर जी एमएलए बन रहे हैं तो मैं एमपी बन जाऊंगा। मजाक छोड़िए। भोपाला जी आपका क्या इरादा है? मैडम जी इस उम्र में ना कविताएं याद नहीं रहती, इसलिए पढ़ लिखकर अपनी कविताओं को पन्नों पर उतारना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। और नारायण जी आप? मैडम जी हिसाब किताब सीखने से ही मैं अपनी दुकान का फिर से हिस्सा बन पाऊंगा, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। और भीमा बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? मैं फौज में जाना चाहता हूँ। शाबाश। सॉरी मैडम जी। और नन्हे तुम क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता। कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नन्हे, आ बेटा खाना खा ले। कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? रहने दो ना माँ, जब गुस्सा तो जाएगा तो खुद ही खा लेगा। आप तो खाओ, लो। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, आपसे मिला और पूछा भी नहीं आप कहाँ ठहरे हो। लेकिन जैसलमेर इतना बड़ा नहीं है कि नन्हे जैसलमेर आपको ढूंढ ना सके। नन्हे, नन्हे दरवाजा खोल। जीजा मुझे अकेला छोड़ दो। नन्हे दरवाजा खोल, जरूरी बात है। मुझे कोई बात नहीं सुननी। नन्हे खोल ना। क्या है? नन्हे देख, तुझसे मिलने कौन आया है। दोस्त। नन्हे तू सच कह रहा था, 7 बजे घड़ी सर के पास तेरा इंतजार कर रहे थे। देखा। आप कुछ लेंगे? नहीं मैं ठीक हूँ। जीजा अब तुम जाओ और माँ को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है। तो संदर आओ ना। अरे ये क्या, मेरी इतनी सारी फोटोज। दोस्त जब आप नहीं होते हो ना तब मैं आपकी फोटोज से बात कर लेता हूँ। अच्छा आप इसे अपना ही कमरा समझो। अच्छा ये पता तू आया क्यों नहीं? मुझे स्कूल जाना पड़ा, माँ मुझे जबरदस्ती ले गई। स्कूल? इसके बारे में तो तूने कभी लिखा ही नहीं मुझे। अरे ये तो माँ और मैडम जी की मिली भगत है जिसमें मैं फंस गया। लेकिन कल से नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? आप जो आए हो। मेरी माँ भी ना मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजा करती थी। सारी माँ एक जैसी होती है, समझती ही नहीं हमें। तो सही कह रहा है यार। अरे ये तो अपनी फोटो है। हाँ। तू तब कैसे दिखता था और अब कैसे दिखने लग गया है? मतलब? तब तू अच्छा दिखता था। अच्छा हाँ। मैं भी एक फोटो दिखाता हूँ। ये देखो। अरे ये तो मेरी तस्वीर है, पर तूने कैसे पहचाना? आपकी आंखों से। क्या बात है नन्हे। अरे ये मिस्टर भी यहाँ है। हाँ जानता है नन्हे, जब मैं इसे पहली बार मिला था ना मैंने जोर से चिल्लाया, ए मिस्टर टाइगर, और ये दुम दबा के भाग गया। डरपोक। चूहा। अरे चूहा नहीं टाइगर। अरे चूहा अलमारी के पीछे। चूहा? कहाँ चूहा? अलमारी के पीछे। अलमारी के पीछे? तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके पकड़। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि वो भाग ना जाए। मैं भी। तो फिर पकड़ेगा कौन? आप। देख नन्हे मैं ना टाइगर से लड़ सकता हूँ, लेकिन जो इसे डर लगता है। दोस्त मुझे भी। अच्छा दोस्त ये क्या कर रहे हो? हाँ मैं ना चूहे को डरा रहा हूँ। हाँ। मैं भी। अच्छा एक काम करते हैं। क्या? तो आजा ठक ठक कर, जो बाहर निकलेगा मैं कपड़ा फेंकूंगा और पकड़ लूंगा। ओके? हाँ ओके। मैं क्यों जाऊँ? बड़ा कौन? आप हो। छोटा कौन? मैं हूँ। तो फिर जाएगा कौन? आइडिया किसका है? एक और आइडिया है। क्या ये प्लान चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? उस चूहे की मंजिल है वो रोटी और हमारी मंजिल वो चूहा। नन्हे एक बात याद रखना, जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए एक लक्ष्य की जरूरत होती है, समझा? ये चूहा कहाँ गया? दोस्त क्या सुसु आ रही है? मुझे भी। रोक के रख, बाद में करेंगे। ओके ओके। चूहा क्या करे? जाने देते हैं, चूहा ही तो है। जाने देते हैं। ठीक है। हाँ। बस आ गया नन्हे, बचपन याद आ गया। अभी तो आप आए हो, आगे आगे देखो कितना मजा आता है। अच्छा सुन, मैं तुझे कल 7 बजे नहीं मिल सकता। हाँ क्यों? मेरी शूटिंग 9 बजे तक चलेगी। बेस्ट है दोस्त, इसी बहाने में मैं स्कूल जाकर माँ को भी खुश रखूंगा और आपसे भी मिल लिया करूंगा। मतलब तू पढ़ाई करेगा? नहीं नहीं, मैं तो मजे करने जाऊंगा। चल ठीक है, चल माँ से मिलता हूँ फिर निकलता हूँ। नहीं दोस्त, माँ से नहीं। क्यों? चिढ़ती है आपसे। ऐसा क्या कह दिया मेरे बारे में? मैंने कुछ नहीं कहा, पर माँ कुछ और ही सोचती है। तो फिर मिलकर क्लियर कर लेते हैं। चल दोस्त, क्यों फटे में टांग अड़ाते हो? चल ठीक है, जैसा तू बोली। तूने खाना नहीं खाया? माँ से झगड़ा हो गया था। मतलब माँ ने भी नहीं खाया होगा। माँ ने? क्यों? जब मैं छोटा था ना और रोड के खाना नहीं खाता था तो मेरी माँ भी भूखी पेट सो जाती थी। सारी माँ एक जैसी होती है। चल मैं चलता हूँ। खमागानी दोस्त। खमागानी। माँ। नन्हे। माँ भूख लगी है। तू बैठ, मैं अभी गरम करके लाती हूँ। माँ मैंने खाना गरम कर लिया है, मैं तेरे बगैर थोड़ी खा सकता हूँ। माँ तू भूखे पेट सो गई थी? तुझे किसने कहा? सारे बेटे एक जैसे होते हैं माँ, एक बेटे ने कहा। अरे नन्हे देख, मेरे डोले तेरे बॉबी डेल से कम नहीं है। देख। पधारो मारे देश देश रे। आई नहीं अभी तक। मैडम जी आ जाएंगी। जस्सू जी आप इधर आइए, एक आध घूंट लगाइए, महफिल जमाते। अरे काहे की महफिल, कैसे घूंट? क्या भाई, हम तो दुआ करते हैं कि आपकी भी छूट जाए। अगर आपकी दुआओं में इतना असर है तो राजा साहब के केले को हिला के बताइए, वरना फिर इसके 2 घूंट लीजिए और केले को हिलता हुआ देखिए। क्या भाई, आप मजाक मत कीजिए। एक तो अरे वाह, महिलाएं भी आने लगी नाइट क्लास में। हाउ डू यू डू माई सेल्फ दुर्जन। जोर से मारा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अरे इसको छुपाओ। और ये धुरंधर कहाँ है? खम्मागानी मैडम जी। धुरंधर? धुरंधर? ये क्या है ये सब? कुछ नहीं मैडम जी, वो हिसाब किताब बराबर कर रहा था। चलो कपड़े बदल के आओ जाके। जी मैडम जी। खेमा जी, ये क्या हो रहा है? जी वो दवाई पी रहा हूँ, वो दर्द रहता है ना। दर्द रहता है? कहाँ दर्द रहता है? जी सीने में। हाँ जी। आज स्कूल में बहुत मजा आया। वहाँ पढ़ाई क्या रहा हुआ, सब कुछ हो रहा था। अरे मोटू तो स्कूल क्यों नहीं आता है? वो मग्गू। अरे मग्गू कहाँ स्कूल आ रहा है? स्कूल नहीं, वो मग्गू। अरे मग्गू से इतना डरता है। अरे मग्गू की तो ऐसी की तैसी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? यही कि आप कितने अच्छे हैं। वो तो है। चल आज की टिप निकाल। पर मग्गू वो तो मोटू के पैसे है ना। ये नन्या बकवास करता है, चलो भागो भागो। दोस्त दुर्जन कहता है कि तुम्हारी बॉडी नकली है। अच्छा तो तूने क्या कहा? मैंने कहा दोस्त का 1 हाथ पड़ेगा तो 1 के 4 नजर आएंगे। चलो तर। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना और मेरी बॉडी आपकी जैसी हो जाएगी तब मैं उस मग्गू को नहीं छोड़ूंगा। मग्गू? वो तुम्हें अभी भी परेशान करता है? पहले तो पकड़ के मुर्गा बनाता था, कैटी से मारता था, और आज तो उसने मोटर के टिप के पैसे छीन लिए। तो तुम लोग उसको रोकते क्यों नहीं? सब डर के मारे भाग जाते हैं। बड़ा है ना हमसे। बस बड़ा हो जाऊंगा। बड़े होकर सब अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा ये दिमाग। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें ना तो मग्गू जैसे 10 को सबक सिखा सकते हैं। कैसे? ये डंडी को तोड़ो। अब इन 5 को तोड़ो एक साथ। नहीं टूटी ना? ये है 5 डंडियों की ताकत। इसे ना नाम जैसलमेर में तोड़ सकता है और ना बॉबी देओल। सफारी सफारी बाद में। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। मग्गू कौन है? मैं। ये सफारी मोटू लेगा। अबे दिमाग तो ठीक है ना तेरा? मोटू ये सफारी तेरी है। नहीं नहीं नहीं। अबे पागल हो गया क्या? रुक उधर ही। ये सब दिमाग की देन है नन्हे। जैसा सोचोगे ना वैसा ही महसूस करोगे। अगर ये दिमाग सही रहे ना तो हम हर कमजोरी से लड़ सकते हैं, समझा? मुझे भी देना। हाँ लो ना। क्या हुआ? नहीं दोस्त, ये आपके लिए नहीं है। तू खा सकता तो मैं क्यों नहीं खा सकता? ये अच्छा नहीं होता। तो फिर तू क्यों खा रहा? मेरी तो आदत है। अच्छा नहीं है लेकिन आदत है। बात कुछ समझ में नहीं आई। सोच क्या रहा है? चल दे। दोस्त हम दोनों ही नहीं खाते। जब से तुमसे हुई दोस्ती ये तेरी मेरी दोस्ती तोड़े से टूटे ना कभी, जलता है हमसे ये जहां, याराना ऐसा है कहां, कोई चले तो जलता जाए, हम पे कभी भी आँच ना आए। तेरे लिए मैं उठा लूं दुनिया के दर्द हजार, जब से तुमसे हुई दोस्ती जिंदगानी में आई बहार, ऐ मेरे नन्हे यार, ऐ मेरे नन्हे यार, ऐ मेरे नन्हे यार, ऐ मेरे नन्हे यार, ऐ मेरे नन्हे यार। आप सबको पता है जीजा की शादी में कौन आने वाला है? कौन? मेरा दोस्त बॉबी देओल। अरे तब तो मैं उसे अपने डोले दिखाऊंगा। दुर्जन जी, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि आप अच्छे दिखें और ये फटी चप्पल पहन के मत आइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब ढंग के दिखें, जस्सू जी की तरह। मतलब मेरी तरह और जस्सू जी की तरह? नहीं नहीं, आप नहीं। कभी आईने में अपनी शक्ल देखिए, जरा दाढ़ी बनवा लीजिएगा। तू एकदम सही कह रहा है नन्हे, लेकिन एक बात बता, अगर तुझे इन्हें बुलाने में इतनी शर्म आती है तो बेटा तू इन सबको बुला क्यों रहा है? अरे जस्सू जी रहने दो। अरे कैसे रहने दे खेमा जी, क्या इसके दोस्त के सामने हम खड़े नहीं हो सकते? इतना बड़ा आदमी है वो। क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो दुर्जन? नन्हे एक बात बताऊं, मैं शादी पे नहीं आऊंगा, और तूने जो आज बात कही है मुझे लगता है इनमें से कोई भी नहीं आएगा। तो ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं, अब आए या ना आए। और हाँ, वो अब सबसे बड़ा आदमी है। बेटे गुस्सा छोड़ दो। बस खेमा जी, ये है कौन और इन्हें क्या लगता है ये नाइट स्कूल जाकर मेरे दोस्त जितने बड़े आदमी बन जाएंगे? नारायण सिंह जी दुकान चलाएंगे, भोपाल अच्छी की किताब छपेगी। नन्हे ये सब तुमसे बड़े हैं। बड़े तो क्या हुआ, और आप कौन होते मुझे समझाने वाले? हर वक्त तो शराब के नशे में होते हो। नन्हे! क्या नन्हे? मुझे आप सबकी कोई जरूरत नहीं है, और हाँ मैडम जी से भी कह दीजिएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। नन्हे क्या बात है, आज स्कूल जल्दी छूट गया? मेरी खेमा जी और दूसरों से लड़ाई हो गई थी, आपके बारे में बकवास कर रहे थे और तू लड़ पड़ा। हाँ एक दोस्त के लिए तूने चार गवा दी। सर आपका शॉट रेडी है। आया। ओके सर। नन्हे दोस्ती करना आसान है मगर निभाना मुश्किल। चल मैं शॉट देकर आया। ओके। हाँ भाई शॉट क्या है? कोई अच्छा राजस्थानी आइटम दिखा, बॉस को अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। जी देखो साहब, मेरी बहन का ऑपरेशन है, कुछ पैसे की मदद कर दो। ए तू फिर आ, इसे पैसे दे दो। पर बॉस आपको तो आज गिफ्ट देना था। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट नहीं दी तो क्या हुआ, एक भाई को उसकी बहन तो मिली। सुभाष मेरा जैकेट लाना। और नन्हे कैसा लगा मेरा शॉट? दोस्त आप तो हिट हो यार। अच्छा सर, वो जैकेट तो बॉम्बे बोला है। चल कोई शॉल ले। ओके सर। जैकेट दे दो। कितने हैं? थोड़े कम है, डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट दे दो। ले पकड़, जब पैसे पूरे हो तब आना। चल भाग। अजय बेटा देख ले, थोड़ा कम हो सके तो। अरे बापू घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? चल भाई निकाल। ना, ना। राजा तो उसके लिए वो जैकेट लेनी ही है, चल सफारी पकड़ते हैं। तुम तो बड़े होशियार हो, जा चार चार भाषाएं बोल लेते हो, कुछ सीखो तुम लोग। ये गधा नहीं है, ऊंट है और इसका नाम राजा है। तो इसकी रानी कहाँ है? भगाओ ना इसको। भगाना है इसे? हाँ। राजा। लिखवा दिया राजा पे उसका नाम। और क्या उसका नाम? ये देख, उसका नाम लिखवाया है। ये देख, उसका नाम। उसमें हंसने की क्या बात है? मैंने भी अपना नाम लिखवाया है। अच्छा। उससे भी बड़ा गधा। में सब तुझ पे हंस रहे थे। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने मेरे राजा को गधा कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, फिर भी उन्होंने मेरे राजा पर गधा लिख दिया। ए, रोते नहीं, उन्होंने तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अनपढ़ होने का मजाक उड़ाया। पर क्यों? क्योंकि ये सच है ना। नहीं, देख नन्हे, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां या कमजोरियां होती हैं, मगर जिंदगी हमें मौका देती है उन्हें सुधारने का। अब या तो तू शिकायत मत कर कि लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, या फिर किसी को मौका मत दे तेरा मजाक उड़ाने का। लेकिन पढ़ाई लिखाई मेरे लिए आसान नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं नन्हे, लेकिन जिस दिन तुमने तय कर लिया ना कि तुम कुछ पाना चाहते हो, फिर तुम्हें उसमें विश्वास रखना होगा, क्योंकि तुम्हारा यही विश्वास तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अपनी कमजोरियों से अलग होना चाहते हो, या फिर जिंदगी भर उनके साथ जीना चाहते हो? दोस्त, मैंने फैसला कर लिया है। नन्हे, खमा गली दोस्त। मैडम जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। कर ही लौटेंगे, शुरुआत हो गई। अब जश्न के डंके बजेंगे कि कमजोरी से बात हो गई। राजा, आज से एक नई शुरुआत। और ये ड इससे कहते हैं क, ये ख, ग, ख और ये ड। नन्हे, नन्हे। हाँ माँ। ये गुटका किसका है? माँ, ये मेरा है, पर फेंक दे, मैंने खाना छोड़ दिया है। माँ, तेरा नन्हे बदल गया है। 2 से 5 तक के पहाड़े और अक्षरमाला की परीक्षा रखेंगे, ठीक है? जी मैडम। नन्हे आ गई इम्तिहान की घड़ी। अब मैडम जी को पता चलेगा कि हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या दर्जन भैया, आगे कौन बढ़ना चाहता है? हा? हम तो चाहते हैं बस यहीं पड़े रहे और मैडम जी की आवाज सुनते रहे। ब्याह कर लो मैडम जी से, घर ले जाएंगी, पढ़ाएंगी, लिखाएंगी, खाना भी खिलाएंगी। अरे क्या हुआ नन्हे, मैं समझ सकता हूँ कि तू कितना दुखी होगा। मैं क्यों दुखी होऊंगा, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने तो सोचा कि तू तो राजा से बहुत प्यार करता है। क्या हुआ राजा को, तुझे नहीं मालूम? नहीं राजा, नन्हे, नन्हे, राजा, राजा, माँ राजा कहाँ है? राजा चला गया। कहाँ गया माँ? बेटी की शादी कराने के लिए माँ ने अपने एक बेटे को बेच दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। काका ने हमें धोखा दे दिया। मेरा राजा चला गया। मैं जानता हूँ माँ उसके बिना खुश नहीं रहेगी। राजा माँ का बड़ा बेटा है ना, मैं जानता हूँ कोई खुश नहीं रहेगा। दोस्त मेरी मदद करो। दोस्त मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? गर्लफ्रेंड को गिफ्ट नहीं दी तो क्या हुआ, एक भाई को उसकी बहन तो मिली। माँ गुड़ देना। राजा तू आगे मेरा बच्चा। उसके लिए तोहफा नहीं खरीदा तो क्या हुआ, माँ को अपना बेटा तो वापस मिल गया। क्यों जीजा? हाँ? ये तेरे क्लास के कार्ड बांट दे। माँ एक और कार्ड चाहिए। किसके लिए? दोस्त के लिए। बहुत खांसी आ रही है जस्सू जी। आपके दाहिने हाथ पे कीड़ा है। हाँ रुक गया, लिखो अब, लिखो लिखो लिखो, लिखो। चलिए अपनी अपनी शीट्स लाइए। खड़े हो जाइए सब लोग। नारायण जी, जी पहाड़े ठीक से याद हो रहे हैं। वेरी गुड। जस्सू जी, जी मैडम। क के बाद प 3 साल हो गए हैं। वही के वही हूँ। मैडम जी आप है ना, चलो अगले साल सीजन था। खेमा जी इधर इधर कागज दिखा। आप ही के पास आ रहा था जी, ये लीजिए। गा के बाद हाँ जी। नकल हो रही है जसू जी की। नकल और पीप रहे हैं आप। मैं कैसी बातें कर रही हैं आप? नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है खेमा जी। जाइए आप, जाइए। नहीं ये क्या खाली शीट, कुछ भी नहीं लिखा तुमने? इसको भी पढ़ रही। मुझे बहुत उम्मीद थी तुमसे, तुम तो इतनी मेहनत कर रहे थे। शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई कि मैं तुम्हें न पढ़ा सकी। मैडम जी मैंने ये लिखा है। तुमने लिखा है? जी हाँ मैडम जी, ये मैंने लिखा है। क्या लिखा है? तुमने लिखा है। क्या लिखा है मैडम जी? क्या लिखा है? मेरे दोस्त बॉबी देओल के लिए, नन्हे जैसलमेर और राजा जैसलमेर। शाबाश नन्हे। अरे वाह नन्हे, अरे पूरी लाइन लिखी है नन्हे ने। अरे ये तो सुमन की शादी का कार्ड है। दोस्त कवर तो देखो। मेरे दोस्त बॉबी देओल के लिए, नन्हे जैसलमेर, राजा जैसलमेर। ये तूने लिखा है? हाँ, और ये सब आपकी वजह से। तपती रेत पर तुम चले, इसलिए जूतों की अहमियत जानी। जुआ? अबे राधा मुझे हाँ बता। दोस्त आप आओगे ना? सुमन से कहना उसका बड़ा भाई जरूर आएगा, लेकिन इस बार माँ से नहीं लाएगा ना। हाँ हाँ, अब माँ से नहीं चिढ़ती। रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हें शामिल करना है। रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हें शामिल करना है। रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हें शामिल करना है। सॉरी मेरे यार, मैं लेट हो गया। क्या करूं, आज लास्ट दिन है शूटिंग का, एक्सटेंड हो गई। माफ कर देना यार प्लीज। मैंने सबसे कहा था कि आप आ रहे हो। मैं सबके लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए आ रहा था। चल माँ से मिलते हैं, उनसे भी माफी मांग लेता हूँ। आपने वादा किया था। हाँ, और अपने काम के लिए वो वादा निभा नहीं सका। अपने दोस्त की खुशी के लिए हम दूसरों की परेशानी नहीं बन सकते। सही कहा था आपने, दोस्ती करना आसान है पर निभाना मुश्किल। मुझे तुम पे गर्व है, तुम वाकई बड़े हो गए हो। तुम्हें सीखने की इच्छा है, इस आग को हमेशा जलने देना। और याद रखना, दोस्ती का मतलब माफ कर देना भी है। I'm sorry again। चिट्ठी लिखते रहना, मुझे उनका इंतजार रहेगा। खमाखानी। दोस्ती का एक मतलब और है। नो सॉरी। फिर कब आओगे? इस बार मैं नहीं, तुझे आना पड़ेगा बॉम्बे। दोस्त, इस बार माँ से मिल लो और उसे बोल देना कि अब मुझे बॉम्बे बुला रहे हो, वरना वो मुझे आने नहीं। नन्हे बेटा, तू फिर अपने दोस्त से बात करने लगा? हाँ माँ, मेरा दोस्त वही तो, तूने उसे कार्ड भेजा ही नहीं। मैं जानती हूँ इस बार वो शूटिंग पर नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। नहीं तो ऐसा कर, तू ही साल खत्म होने पर बंबई जाके उसे मिल लेना। हाँ? लेकिन माँ, दोस्तों। नन्हे, हाँ? मेरा हीरो तो तू है, मुझे बहुत खुशी है। तू पढ़ने लिखने लगा है, जिम्मेदार हो गया है, बड़ा हो गया है तू। चल अब सो जा, कल सुबह जीजा के घर जाना है ना शगुन देने। हाँ, सो जा। पता था कि 7 बजे कनीसा के पास तेरा इंतजार कर रहे थे। मैं कह रहा था ना, ये 7 बजे कनीसा पे मेरा इंतजार कर रहे थे। फोटो से मत बदलना। अगले सप्ताह से इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। तो तुम लोग उसको रोकते क्यों नहीं? जिसने पहले की शूटिंग राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर शहर में संभव है। हेमा जी और दूसरों से लड़ाई हो गई थी, आपके बारे में बकवास कर रहे थे। हाँ। उस चूहे की मंजिल है वो रोटी और हमारी मंजिल वो चूहा। नन्हे, एक बात याद रखना, कुछ भी पाने के लिए एक लक्ष्य की जरूरत होती है। जीवन में कुछ पाने के लिए एक लक्ष्य की जरूरत होती है और यही मेरा लक्ष्य था। इस फिल्म में मैं एक अनपढ़ का रोल कर रहा हूँ जो अपने दोस्त की मदद से अंधेरों से बाहर निकलता है। इंटरेस्टिंग, अपने दोस्त की मदद से? नहीं बेटी, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा ये दिमाग। अगर हम दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हम हर कमजोरी से लड़ सकते हैं। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो मग्गू जैसे 10 को सबक सिखा सकते हैं। क्या है सीन में? सर, इस सीन में ये है कि अपने दोस्त की मदद के लिए अपने सारे जमा किए हुए पैसे आप अपने दोस्त को दे देते हैं। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट नहीं थी तो क्या हुआ, एक भाई को उसकी बहन तो मिली। देखिए, कमियां और कमजोरियां हर किसी में होती है, पर जिंदगी हमें मौका देती है उन्हें सही करने का। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां या कमजोरियां होती हैं, मगर जिंदगी हमें मौका देती है उन्हें सुधारने का। माँ बाप, भाई बहन, ये रिश्ते तो भगवान बनाता है, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। दोस्ती करना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्ती करना आसान है मगर निभाना मुश्किल। मैं जानती हूँ इस बार वो शूटिंग पर नहीं आया। तुझे लगता है वो आएगा? पक्का आएगा, मुझसे मिलने आएगा, ये मेरा विश्वास है। अगर हम किसी चीज में विश्वास रखते हैं तो उसकी कल्पना भी कर सकते हैं, और जब यही विश्वास गहरा हो तो हमारी कल्पना हकीकत का रूप लेकर हमें एक ऊंची उड़ान पर ले जाती है। ये थी नन्हे जैसलमेर की कहानी, जिसके गहरे विश्वास से जन्मी उसकी कल्पना हकीकत का रूप लेकर उसका मार्गदर्शन करने लगी। Guest of the evening to felicitate Mr. Vikram Singh. Congratulations. Great book. Thank you, sir. कितना सच है इस कहानी में? काल्पनिक रिश्ते कौन नहीं बनाता? किसी के लिए उसका भगवान है और नन्हे के लिए उसका दोस्त। पर एक्चुअली ये हमारे अंदर की आवाज है, हमारा ही विश्वास है। लेकिन आम इंसान नन्हे की तरह इसका सही इस्तेमाल कैसे करेंगे? बस उस आवाज को सुने, एक मौका दे और वो यकीनन आपको सही रास्ता दिखाएगी। ग्रेट आंसर। थैंक यू। Congratulations again. Thank you, sir. And I wish you all the best. Thanks. Nanne. मेरे दोस्त बॉबी देओल के लिए नन्हे जैसलमेर, राजा जैसलमेर। आज शाम के इनविटेशन का कार्ड तुम्ही ने भेजा था ना? हाँ। खमागनी दोस्त, खमागनी दोस्त। जैसलमेर, ये सपना नहीं। नन्हे हमारा बचपन का दोस्त है। नारायण सिंह। खमागनी धुरंधर, खमागनी मैं हुकड़ी बनना। अरे नन्हे का दोस्त। और इसी तरह नन्हे ने अपना सितारा तोड़ लिया।